आज हम सीखेंगे कुछ और डिज़ाइन। हम इससे पहले दुल्हन का फेस बनाया था हमने और गणेश जी बनाए, और उसी श्रृंखला में आज हम तबला बनाएंगे, शहनाई बनाएंगे और बनाएंगे कलर्स। तो यू आर वॉचिंग पू पैसिफिक एंड दिस इज डे 18 ऑफ आर मेहंदी क्लासेस। सो लेट्स बिगिन। तो आज की जो हमारी प्रैक्टिस है वो हम कागज़ पे अपने पहले से चित्र बना के करेंगे, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है थोड़ी सी कठिन हो जाती है और हमें जो हाथों पे मेहंदी लगानी है तो वो फ्री हैंड मेहंदी लगानी है, तो ये चित्र थोड़े से कठिन है, इसलिए हमें पहले प्रैक्टिस कर लेनी है कागज़ पे। तो हम शहनाई बनाने की सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे, और बड़े आसान से चित्र होते हैं, थोड़े से कठिन दिखते ज़रूर हैं, और यदि हम दो चार बार इन्हें कागज़ पे बना लेते हैं तो इसके बाद ये और भी सरल हो जाते हैं। और इनको बनाते समय बस हमें ये याद रखना है कि हम किस साइज़ में बनाएं और हमारे हाथों में कौन सी जगह सही रहेगी कि ये पूरा हमारा चित्र बन जाए, इन चीज़ों को ध्यान में हम रखते हैं। तो ज़्यादातर ये हाथ के, यदि हथेली पे बना रहे हैं तो वहाँ अच्छा है, और कलाइयों पे तो ऐसी डिज़ाइनें नहीं बनाते, क्योंकि कलाई पे यदि हम ये डिज़ाइनें बनाएंगे तो एक तो कलाइयाँ मुड़ती हैं तो वहाँ पे वो बिगड़ सकती हैं, और ज़्यादा स्पेस भी चाहिए तो या तो हथेली पे, या यदि हम ऊपर की तरफ हाथ में लगा रहे हैं तो भी ठीक है। और ये शहनाई बनाने के बाद हम ये तबला आपको बना के दिखा रहे हैं, तो हमने ये दो तबले एक साथ जोड़ के बनाए हैं, बीच में शहनाई रखी है। तो इस तरह का आप कुछ चित्र प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे भिन्न भी आप कर सकते हैं, यानी दोनों तबले थोड़े दूर दूर कर सकते हैं, या फिर शहनाई इनमें ना करके दूर शहनाई को कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस टाइप से डिज़ाइन बनाते हैं, क्योंकि आप ही लोग क्रिएटर हैं भाई, तो आपको अब डिज़ाइन अब खुद अपने दिमाग से भी क्रिएट करनी चाहिए। और अब हम ये तबले में भी अपने मन के हिसाब से डिज़ाइनें फिल करेंगे, जिसको जैसी डिज़ाइन पसंद हो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो तबले और शहनाई को तो हमने बना लिया, अब इसके ऊपर हमने ये पान बनाया है, यानी पान के अंदर हमने इसको बनाया है, और हम चाहें तो इसको कैरी के अंदर बना सकते हैं, सर्कल के अंदर बना सकते हैं, या फिर हमें ना इसको स्क्वायर के अंदर बना सकते हैं, तो ये हमारी इच्छा है, और हमें ऐसे चेंज करते रहना चाहिए, ऐसे प्रयास करते रहना चाहिए कि एक ही डिज़ाइन को हम कितने तरह से बना सकते हैं, तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान में रख के अपनी डिज़ाइन हम खुद क्रिएट करें। तो हमने यहाँ पे ये पान बना के पान के अंदर बनाया है, और आज की जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें हमने बिंदियों और लाइनों का ज़्यादा प्रयोग किया है।
तो अभी हम पूरी डिज़ाइन नहीं बनाएंगे क्योंकि इसकी हमें हाथों में प्रैक्टिस करनी है और तभी हम देख लेंगे कि ये हाथों पे बनकर कैसे लगेगी। तो इसके बाद हम है ना कलश बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हम कलश का ऊपरी हिस्सा बनाएंगे जिसमें हम एक नारियल रखेंगे। ये शादी विवाह के शुभ चिन्ह हैं जिनको ज़्यादातर लोग विवाह के समय मेहंदी जब लगवाते हैं तो उनमें प्रयोग ज़्यादा करवाया जाता है कि हमें कलश चाहिए अपने डिज़ाइन में, या सातिया चाहिए, या फिर तबला और शहनाई चाहिए। तो जो हिंदू विवाह होते हैं उनमें इस टाइप की डिज़ाइनें ज़्यादा चलती हैं। तो हम ये कलश और ये देखिए आम के पत्ते बना रहे हैं। तो इसकी भी हमें प्रैक्टिस पहले कॉपी और पेंसिल के द्वारा कर लेनी है। तो इस तरह हम एक कलश भी बना सकते हैं, और यदि स्पेस अच्छी है, हाथों में जगह है ऐसी कि हम थोड़ी सी बड़ी डिज़ाइन बना सकते हैं, तो वहाँ पे हम तीन कलश बना सकते हैं एक के ऊपर एक रख के, बहुत सुंदर लगते हैं। और उसके बाद हम अपने तरीके से, या आपको जो भी डिज़ाइन पसंद है उस हिसाब से आप उसे डेकोरेट कर लें। आज की जो वीडियो है वो आप आखिरी तक ज़रूर देखें क्योंकि लास्ट में हमने एक और डिज़ाइन, फुल हैंड मेहंदी डिज़ाइन आप लोगों को दिखाई है, और उसकी लिंक भी दी हुई है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आखिरी तक ज़रूर देखें। ज़्यादातर मेरा प्रयास रहता है कि एक वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइनें दूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि आपको एक क्लास में ज़्यादा डिज़ाइनें दूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर सकें उसकी। तो इसके बाद अब हम हाथों में ये तबला और शहनाई वाली डिज़ाइन बनाकर देखते हैं कि ये बनने के बाद हमारे हाथों पे कैसी लगेगी। और बहुत ही सरल सी डिज़ाइन है, कोई भी बहुत आसानी से बना लेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइनों और बिंदियों का ज़्यादा प्रयोग किया है। बहुत सरल है, बस आपको ये जो आकृति मैंने कागज़ पे बनाई है बस यहाँ तक यदि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है तो बाकी तो आप बहुत आसानी से बना लोगे, और ये डिज़ाइन बनने पे बहुत अच्छी लगती है। तो ये था हमारा Day 18। पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके कोई सुझाव हैं हमारे चैनल के लिए तो हम स्वागत करते हैं, आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।